स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। 25 खबरें आपने तूफानी अंदाज में देखी, अब आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी में ज्ञानवापी ट्रेजरी से तहखाने में 8 खंडित मूर्तियां वापस लाई गई हैं। एएसआई सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी, जिन्हें अब वापस लाया गया है। शिव की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी हैं इनमें, गणेश जी हैं। इन मूर्तियों को सर्वे के दौरान जो ये मिली हैं, इनको वापस स्थापित किया गया है। 10 में से 8 मूर्तियां ट्रेजरी से वापस तहखाने पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम की कस्टडी में ये साक्ष्य के लिए मूर्तियां रखी गई थी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को 31 साल के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। फैसला आने के बाद विश्वनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्ञानवापी गेट नंबर 4 पर कमांडो दस्ता तैनात किया गया है। उनके साथ साथ पीपीएफ फोर्स भी तैनात की गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। फैसले के बाद से हिंदू पक्ष खासा उत्साह और मुस्लिम पक्ष खासा नाराज। विवादित बोल भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोले जा रहे हैं। तो 8 विग्रह जो स्थापित किए गए हैं, उनमें 5 पहर की पूजा आरती अब की जा रही है। एएसआई सर्वे में मिले 8 विग्रह तहखाने में स्थापित हो गए हैं। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी विग्रहों की व्यास जी तहखाने में पूजा हो रही है। भगवान हनुमान विष्णु गणेश जी की मूर्तियां हैं ये। माता लक्ष्मी शिवलिंग की पूजा हो रही है। मगरमच्छ की आकृति, खंभों की पूजा हो रही है। काशी विद्वत परिषद ने तहखाने का नाम ज्ञान तालग्रह रखा। 5 पहर की आरती का समय भी तय। पहली मंगला आरती सुबह 3:30 बजे होती है और उसके बाद 4 और आरतियाँ होती है, तो 5 पहर की आरती हो रही है। 8 विग्रह जो स्थापित किए गए हैं वो देखिए आप देख रहे हैं इस समय। मंदिर के अंदर जो पूजा की गई है उसका भी ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बाहर से ही दर्शन करके लौट रहे हैं। तो व्यास जी के तहखाने में जो लाई गई मूर्तियां हैं वो स्थापित तो कर दी गई हैं। अब आगे आपको बताएं, इस मामले पर कानूनी दांवपेच जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष खासा नाराज है। हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित, बेहद खुश। देखिए, दूर दराज से लोग अब पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति अब नहीं है किसी को भी। अंदर से दर्शन नहीं होंगे, बाहर से ही आप माथा टेक कर आगे निकल सकते हैं। भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हैं, हिंदू पक्षकार यहाँ पहुंचे हुए हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि 30 साल के बाद या 31 साल आप कहिए, 3 दशकों के बाद ये मौका आया है जब आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उपेंद्र मेरे सहयोगी इस समय वाराणसी से लाइव मौजूद है, सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र और जानकारी देंगे। उपेंद्र, आज की अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, 8 मूर्तियां जो मिली उनको स्थापित कर दिया गया वहां पर, और अब जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं वो बाहर से दर्शन कर रहे हैं, ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज क्या कुछ इस मामले पर होने वाला है, आज कैसी हलचल मची हुई है ज्ञानवापी परिसर के बाहर? देखिए, आज किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है। आज मामला पूरी तरीके सामान्य है, क्योंकि अब 6 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, और वहाँ पर जो मजिपच की एप्लीकेशन है यानी कि पुनरीक्षण याचिका है उस पर सुनवाई होगी, और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। फिलहाल 6 फरवरी तक जो झांकी दर्शन है वहाँ पर पूजा पाठ है वो जारी रहेगा। 8 मूर्तियाँ वहाँ से ट्रेजरी से यहाँ पर ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने पर ले आई गई हैं। वहाँ पर उनकी सभी 5 पहर की आरती हो रही है। उपेंद्र, हलचल तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, विधि विधान है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और देखिए भक्त जो हैं वो और दिनों के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर अब हर दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए भक्तों की संख्या बढ़ी है। हालांकि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही भक्तों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जब से लोगों को ये मालूम चला है कि यहाँ पर व्यास जी के तहखाने पर भी अब झांकी दर्शन शुरू हो गया है, तब से लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया है। हम लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली। दिल्ली से तो दर्शन मिल गए? हाँ, झांकी दर्शन हुए व्यास जी के तहखाने पर जहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुई है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे दर्शन। बहुत बढ़िया कह रहा है। हम
अंदर आत्मा बहुत कुछ कह रही है। अच्छा, बहुत जल्दी 10 दिन में आ गया हूँ मैं वापस। अच्छा, मैं राजस्थान जयपुर से आया था। हाँ। मैं 21 तारीख को भी यहाँ था। हाँ। दर्शन करके फिर मैं अयोध्या जी गया था। हाँ। आज फिर बाबा की सुना है आपने कि वहाँ पूजा पाठ शुरू, मतलब जाना है भैया, बहुत जल्दी जाना है। अच्छा, आपके मार्ग से अगर जल्दी भेजो तो अभी भेज दो आप। दूर से दर्शन हो रहा है, बाकी अंदर से भी जल्दी पूजा होगी हमारे पुराने मंदिर में। जी जी, पुराने मंदिर में। तो आपने सुना, लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो बाहर से झांकी दर्शन हो रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है, उनकी आस्था है कि जल्द ही अंदर से भी दर्शन होगा। और फिलहाल चूंकि इस पूरे मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई है, और यहाँ पर भी जो SI सर्वे की रिपोर्ट आई थी उस पर 6 फरवरी को आपत्ति दाखिल करनी है मस्जिद पक्ष को, लेकिन फिलहाल अभी आपत्ति माना जा रहा है कि नहीं दाखिल होगी, क्योंकि अभी 6 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो ऐसे में यहां पर मस्जिद पक्ष समय ले सकता है। एक जानकारी उपेंद्र आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि 5 पहर की आरती हो रही है, सुबह 3:30 बजे पहली आरती हो चुकी है, तो अब अगली आरती कब होनी है, और जब आरती होती है तो उस समय वहां कौन कौन मौजूद रहता है, क्योंकि भक्त इस उम्मीद इस आस में वहां पहुंच रहे हैं कि अभी तो उनको बाहर से ही सिर्फ मत्था टेक के दर्शन करके निकलना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो अंदर से आरती को भी देखेंगे और अपने आराध्य के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल आरती हो गई, और जब जिस वक्त आरती होती है उस वक्त जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से, न्यास की ओर से जो पुजारी नियुक्त है, वो वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती होती है, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो झांकी दर्शन है, क्योंकि बैरिकेड्स लगी है, तो वहाँ पर झांकी दर्शन बैरिकेड्स से हो रहे हैं, और भक्तों को तो उम्मीद है कि जल्दी, आपको उम्मीद है कि जल्दी पूरे दर्शन, बिल्कुल जल्दी से जल्दी होंगे, पूरे दर्शन होंगे। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। भी अंदर है वो भी खुला हुआ है, उसमें भी दर्शन हो रहे हैं, वहाँ भी। हम तो बिहार मुजफ्फरपुर से और पटना से आए हैं, और बहुत अच्छा से बाबा का दर्शन भी हुआ है, जल भी चढ़ाने का मौका मिला है, और संभवतः आने वाला समय में सब ओपन हो जाएगा, सब खुल जाएगा। महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। हम भी महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत और हम साक्षीदार हैं इसके। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। शाम का आरती भी बहुत अच्छे से हो रहा है, अलग से देख करके पूरा रिवर का ये करने से बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कई सारे स्कूली छात्र भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर से। देखिए ये स्कूली छात्राएं हैं जो बड़ी संख्या में, तो क्या मालूम चला वहाँ पे पूजा शुरू हो गई, इसलिए आए हैं आप लोग। हाँ। ये देखिए, तो ये स्कूली छात्राएं मैं दिखाऊंगा, तो कैसे आप लोग हर महादेव। तो ये स्कूली बच्चे आए हैं जो यहाँ पर, देखिए ये बड़ी संख्या में गोरखपुर से आए हैं। बाबू क्या दर्शन करने आए हैं यहाँ पर? दर्शन करने आए तो ये देखिए दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं। मतलब दर्शन हो गए अंदर? नहीं, बस अभी दर्शन करने जा ही रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ। मैम क्या अब तो चूंकि वहाँ पर अंदर व्यास जी के तहखाने पर भी दर्शन शुरू हो गए हैं, तो ये कितना बड़ा मौका मान रही है अपने लिए? ये हमारे जीवन का अमूल्य अद्भुत आनंद हमें लग रहा है। कल हम घाट पे बोट के अंदर गए थे, वहाँ से हम लोगों ने जो आरती का दृश्य देखा वो अविस्मरणीय है। तो हर कोई यहाँ पर आ रहा है और दर्शन कर रहा है कंचन, और अब सबको 6 फरवरी का इंतजार है कि कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देखता है। जी, दर्शन करने जा रही हैं आप लोग? हाँ, 100% जा रहे हैं। अंदर दर्शन भी शुरू हो गए हैं, झांकी दर्शन शुरू हो गए हैं, जो पुराना मंदिर व्यास जी के तहखाने में, कितना बड़ा पल लग रहा है। अरे बहुत बड़ा पल है, और हम लोग रियली वेट कर रहे हैं कि हम लोग अंदर जाए और दर्शन कर पूजा करें हमारे लिए। तो देखिए हर किसी का आस्था है कंचन, और हर कोई यहाँ पर दर्शन के लिए आया है, और यहाँ पर लगातार जो पूजा पाठ है वो शुरू लगातार चल रही है। 6 फरवरी को इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जी, जिला जज की अदालत में भी ASI जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके खिलाफ आपत्ति दाखिल करना है, लेकिन फिलहाल 6 फरवरी को वाराणसी में, बिल्कुल 6 फरवरी को अब देखना जरूर होगा कि आखिरकार इस मामले में कानूनी दांवपेच किस तरह से आगे बढ़ते हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कहा जाता है। बहरहाल शुक्रिया आपका उपेंद्र, जानकारी और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।